हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन यूट्यूब चैनल डाउट अड्डा 247। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हैं उनको हम लोग कैसे निकालेंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो देखने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो का सबसे नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर दें। देखिए, यहाँ पर हम लोग का हम लोग का जैसे यहाँ पे हम लोग का परफेक्ट स्क्वायर रूट रहता है, तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि अंडर रूट में 16 है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका 4 हो जाता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको गुणनखंड विधि से जैसे इसको कटाते हैं। दोस्तों, ये इसको कटाएँगे, 2 8 16 होता है, फिर 2 से कटाएँगे, 2 4 8 होता है, फिर 2 से कटाएँगे, 2 2 9 4 होता है, फिर से 2 से कटाएँगे, 2 1 2। इसका फिर पेयर हम लोग मिलाते हैं तो यहाँ पे तो हम लोग का ये पेयर मिल जाता है, तो इसको हम लोग 2 × 2, इसका हम लोग का ये स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, 4 निकल कर आ जाता है 16 का। जबकि अगर हम लोग को अंडर रूट में 17 दे दिया हो, 18 दे दिया हो, 20 दे दिया हो, 21 दे दिया हो, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्त, इसी की वीडियो में ये हम लोग सीख लेंगे कि किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट क्या होगा। जैसे पूर्ण रूप से स्क्वायर रूट हो तो, अगर नहीं है तो उसका भी इसमें सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहें। देखिए, यहाँ पे जैसे हमको दे रखा है यहाँ पे 9, तो 9 का जानते हैं हम लोग दोस्त क्या होता है, 3 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये तो सिंपल सा सभी दोस्तों को याद होगा 100 तक, तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आगे चल के कुछ दिक्कतें होती है जैसे हम समझाएंगे बाद में। पहले हम लोग सीखते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग जैसे देख लें कि अगर हम लोग का निकालना है 10 का, तो ये कैसे निकलेगा, ये 10 का निकालना है तो ये कैसे निकलेगा कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्त एक फार्मूला होता है, आप लोगों को याद करना पड़ेगा। जैसे हम लोग का x और प्लस माइनस y, ये अंडर रूट के रहेगा और इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट x प्लस माइनस y बटा में 2 × अंडर रूट x। ये फार्मूला है दोस्त। अब हम लोग को इसके टर्म्स में तोड़ना है, दो संख्याओं को ऐसे तो टर्म में तोड़ना है कि जैसे एक हो जाए, पूरा पूरा स्क्वायर बन जाए किसी का, और एक नॉन स्क्वायर बन जाए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जैसे अगर हम लोग कहें दोस्त यहाँ पे 10 का लिए थे, तो 10 का लेना है तो 10 का कैसे तोड़ेंगे, 10 को देखिए, 10 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 9 और प्लस क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है, तो ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर है क्या, 9, और यहाँ पे 1 का भी है, लेकिन हम लोग 1 को ऐसे तोड़ें कि 9 × 10 बन जाए, तो इसका भी जरूरी नहीं है कि ये वाला बनेगा, लेकिन ये वाला रहना चाहिए, आप लोग ऐसा ही तोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस फार्मूला पे आप रख दीजिए, तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस रखेंगे, माइनस है तो माइनस रखेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे आप क्या, 9 रखेंगे और प्लस वाई की जगह पे क्या रखेंगे आप लोग, 1 रखेंगे बटा में 2 × अंडर रूट के 9 यहाँ पे रख देंगे आप लोग। ठीक है, तो ये देखिए 9 का क्या आ जाएगा दोस्त, 3 आ जाएगा प्लस 1/2 × यहाँ पे 9 का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 3 + 1/6 क्या हो जाएगा, 6। जब इसको आप डिवाइड करिएगा तो 10 क्या आएगा, और यहाँ पे 10 लगाएंगे तो 10 होगा, और तो ये कितना बचेगा, 6 × 6 एक बार जाएगा, 4 बचेगा, तो ये हो जाएगा 40, और 40 में 6 से भाग देंगे तो 6 × 36, फिर 40 बचेगा, ये 6 आता रहेगा, तो आप लोग इसको जोड़िएगा तो 3.16, अब ये 6 आ रहेगा, तो इसको बढ़ा कर लिख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे 7 लिख सकते हैं, तो ये इसका हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह के अगला क्वेश्चन हम लेते हैं एक और आप लोगों को समझाने के लिए। जैसे यहाँ पे हम लोग लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को 20 लेना है, क्या लेना है, 20 लेना, तो 20 का स्क्वायर रूट क्या होगा यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए दोस्त, 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, या तो 16 प्लस क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, या तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 भी लिख सकते हैं, आप जिस तरह आपको इजी लगे उस तरह आप कर सकते हैं, 25 - 5 भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको माइनस करना पड़ेगा, और 16 + 4 कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे 16 और प्लस क्या, 4, यहाँ पे आप 18 प्लस भी 2 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखना कैसे हमको, यहाँ पे एक हम लोग का किसी न किसी संख्या का स्क्वायर होना चाहिए, और दूसरा नहीं भी रहेगा तो चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 16 को हम लोग क्या लिखेंगे, अंडर रूट यहाँ पे 16 और प्लस 4/2 2 × अंडर रूट क्या, 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स हम लोग का 4 और प्लस ये 4/2 ये 2 × इसका भी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 से बचेगा, 4 + 1/2
ये कटाएंगे तो दशमलव के पाँच, यानी ये क्या आ जाएगा, चार दशमलव पाँच का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। कितना, बीस का स्क्वायर रूट कितना निकल कर आएगा, चार दशमलव पाँच हो जाएगा। ठीक है, अगला आप लोगों के क्वेश्चन लेकर समझा दूँ दोस्त। अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग का 50 दे दें, क्या दे दें, 50 दे दें, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दोस्त, 50 को लिख सकते हैं 49 प्लस का एक लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 49 प्लस एक लिख सकते हैं। और इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, देखिए 49 और प्लस 1 बटा में 2 इंटू अंडर रूट क्या 49। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 का दोस्त, और प्लस 1 बटा में 2 गुणते ये भी 7 का हो जाएगा, तो इसको 7 प्लस 1 बटा में ये 14 हो जाएगा। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये तो जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाइएगा, ठीक है, दशमलव लगाइएगा तो 0 बढ़ेगा, फिर भी नहीं जाएगा, तो आप एक 0 लगाइएगा तो 100 होगा, 14 सात 98, ये 7 बढ़ जाएगा, फिर 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा, 14 ही कम 14 ये आ जाएगा, फिर इसी तरह आता रहेगा। तो इसको लगभग में आप लिख सकते हैं 7.071, ये आंसर हम लोग का निकल कर आएगा। ठीक है, ये लगभग में मान आता है दोस्त, ये पूरा पूरा नहीं आता है, लगभग में करीब में ये रहेगा। ठीक है, तो आप इस तरह के सभी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के जितने भी हैं संख्याएं, उनका आराम से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं दोस्त। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक क्वेश्चन लेते हैं, आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए, जैसे हम लोग का छोटा सा लेते हैं दोस्त, यहाँ पे मान लीजिए कि 5 का निकालना है, क्या निकालना है, 5 का निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 5 का, तो हम लोग देखेंगे, इसको लिख सकते हैं 4 प्लस का 1 लिख सकते हैं, 4 प्लस का क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब देखिए, ये होगा अंडर रूट में 4 और प्लस का 1 बाई क्या, 2 इंटू अंडर रूट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का निकालेंगे तो 2 आएगा, प्लस 1 बाई क्या आ जाएगा, 2 इंटू क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट का 2 का 4 का या 2 निकल कर आएगा, तो ये 2 दुना के 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 प्लस 1 बाई क्या होगा, 4 होगा, और यहाँ पे 2 प्लस इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.0। ठीक है, 4 दुना के 8, 4 पंजे 20, ये 0.25 आ जाएगा, तो इसको आप जोड़ेंगे तो 2.25, ये हम लोग का क्या निकल कर आएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर रूट 2.0 क्या 2.5 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अगर चाहें आप लोग तो इसको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्त। देखिए, हम लोग लिख सकते हैं 5 को लिख सकते हैं क्या, हम लोग लिख सकते हैं कि 9 माइनस के 4, ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे 9 होगा और ये माइनस का हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे 4 होगा ना, यहाँ पे 4 बटा में ये 2 इंटू अंडर रूट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे तो ये 3 का हो जाएगा माइनस, ये 4 बटा में 2 गुणते क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कटाएंगे 2 दुना के 4 होगा, और ये देखिए 3 माइनस, इसको जब डिवाइड करिएगा तो 0.5 ये क्या आएगा, 6.6 आएगा, तो आप इसमें से घटा दीजिए, तो यहाँ से 3 में से घटा दीजिए 0.66। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2.0 कितना आ जाएगा, 3.4। तो इसके करीब ये थोड़ा सा देखिए यहाँ पे आ रहा है, ये 2.25 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 2.34 आ रहा है। तो इस तरह ये मतलब लगभग में मान आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह आप चाहें उस तरह भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्त, थोड़ा बहुत ये मान का डिफरेंस होगा थोड़ा बहुत, तो आप चाहें तो इस पर लगा सकते हैं, इसमें दोनों में ये आंसर होगा, इतना लगभग करीब में आंसर हम लोग का नहीं देगा। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाई कर देता है। जैसे अगर मान लेते हैं दोस्त, हम लोग का परफेक्ट स्क्वायर का रूट का निकालना है, जैसे हम लोग का मान लीजिए, अब यहाँ पे आप लोगों का निकालना है, यहाँ पे मान लीजिए कि 343 है। ठीक है, तो इसका ये किसका स्क्वायर रूट है, इसका हम लोग को समझने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को 10 तक स्क्वायर याद करना पड़ेगा सभी संख्याओं का। जैसे हम यहाँ पे आप लोगों को समझा दें, देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे दोस्त तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 क्या आएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 64 आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 81 आएगा। देखिए यहाँ पे दो दो ऐसी संख्याएं मिल रही हैं, कुछ ऐसी दो दो संख्याएं मिल रही है जिनका स्क्वायर का यूनिट डिजिट एक ही हो रहा है। जैसे 1 का देखेंगे तो 1 हो रहा है, यहाँ पे 9 का देख रहे हैं तो 1 हो रहा है, फिर 8 का देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 हो रहा है, फिर यहाँ पे 2 का देख रहे हैं कि का 4 हो रहा है, फिर 3 का भी देखिए यहाँ पे 9 हो रहा है, और यहाँ पे 7 का भी क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। ठीक है,
और एक बात आप लोग देखिए, पाँच का है तो क्या होगा, पाँच ही होगा। और जैसे पाँच का ही स्क्वायर करेंगे तो चाहे पाँच का स्क्वायर करेंगे चाहे यूनिट डिजिट का, वो पाँच है उसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट उसका क्या आएगा, पाँच ही आएगा। यहाँ पे छः है तो छः का स्क्वायर करें चाहे छः के पावर कुछ भी कर दें आप दोस्तों, इसका क्या आएगा, छः ही आएगा, ठीक है। और एक का भी कुछ भी पावर कर दीजिए आप, क्या आएगा, एक ही आता है, ठीक है। तो ये तीन ठो ऐसे हैं जिनका मान क्या होता है, वही होता है यूनिट डिजिट में, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि ये किसका हो सकता है, हम लोग का दो दो का पेयर बनाना है पीछे से, ये दो दो का पेयर पीछे से बना लीजिए। और इसको आप लोगों को देखना है कि यूनिट डिजिट तीन किसका किसका हो सकता है। तो यहाँ पे बोलेंगे सर कि ये तो हो सकता है किसका, तीन किसका हो सकता है, आप लोगों को देखना है। ये 343 इसमें देखिए कहीं से नहीं है ना, ये कहीं से इसमें यूनिट डिजिट तीन नहीं है, तो इसका मतलब ये किसी का ये स्क्वायर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन परफेक्ट, ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ठीक है। इसमें से यूनिट डिजिट अगर मान लीजिए तीन नहीं दिख रहा है, तीन नहीं दिख रहा है और क्या नहीं दिख रहा है, सात नहीं दिख रहा है और क्या नहीं इसमें दिख रहा है, देखिए एक नहीं दिख रहा है, क्या नहीं, एक दिख रहा है और दो नहीं दिख रहा है इसमें। तो ये अगर दो नहीं दिखे, ठीक है, और तो सभी दिख रहा है ना, एक दिख रहा है और तीन नहीं दिख रहा है, दो नहीं दिख रहा है, चार दिख ही रहा है, पाँच दिख ही रहा है, छः दिख ही रहा है, सात नहीं दिख रहा है और आठ नहीं दिख रहा है ना, तो आठ नहीं दिख रहा है। ये सभी जो जितना चार हैं, चारों ये अंक हैं, अगर ये नहीं दिखता है यूनिट डिजिट में तो समझिए कि इसका, अगर दिख गया दोस्तों समझिए कि ये क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। अगर ये सब दिख गया तो, ठीक है, अगर ये सब दिखा तो समझिए कि किसी न किसी संख्या का है स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे दूसरा चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग लेते हैं ले लीजिए 729, समझ लीजिए 729 ले लीजिए। अब देखिए ये किसका हो सकता है, 9 हम लोग का देखना, 9 किसका हो सकता है, या तो 3 का हो सकता है या तो ये 7 का हो सकता है। तो यहाँ पे आप दोनों को लिखेंगे, एक लिखेंगे 3 और एक लिखेंगे 7, ये दोनों कैसे दो टर्म में तोड़ लेना है। अब देखना है 7 किसके स्क्वायर के पास है, किसके स्क्वायर के पास है, तो आप लोग बोलेंगे कि 2 के स्क्वायर के पास है और 3 के स्क्वायर के भी पास है। तो हम लोग को छोटा वाला लेना है, क्या वाला लेना है, छोटा वाला लेना है। तो 2 के स्क्वायर के पास है, तो 2 के स्क्वायर के पास है तो हम लोग 2 में एक बढ़ा के गुणा करेंगे, थोड़ा सा जो स्क्वायर के पास है उसके आप लोग क्या करें, एक बढ़ा के गुणा करें, तो यह क्या आएगा, 3 दुना के 6 आएगा। और 6 से देखना है कि ये बड़ा है कि छोटा है, 6 से बड़ा है कि छोटा है। तो देखिए 6 से 7 क्या है, बड़ा है, ये वाला देखना है कि ये वाला इससे बड़ा है कि छोटा है। तो बड़ा रहेगा तो बड़ा वाला हम रख देंगे, छोटा रहेगा तो छोटा वाला हम रख देंगे। तो देखिए बड़ा है तो ये वाला 2 को कहाँ रखेंगे, इसमें 2 7 वाला में रखेंगे, तो ये किसका निकल कर आ जाएगा, 27 का निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अलग भी ले सकते हैं आप लोग, देखिए 23 04 ले लीजिए, 23 04 ले लीजिए। तो आप लोग देखेंगे कि ये किसका किसका हो सकता है, या तो ये देखिए 8 का होगा या तो ये क्या होगा, 2 का होगा, ये तो 8 का होगा या तो क्या होगा, 2 का होगा। तो आप लोग देखेंगे कि ये 23 किसके पास है, तो बोलेंगे सर 4 के पास है, छोटा वाला लेना है इसीलिए 4 के पास है, 5 के भी पास है लेकिन छोटा वाला लेना है। इसमें आप गुणा करिएगा एक बड़ा के, तो 4 × 5 कितना आएगा, 20, ये 20 से बड़ा है कि छोटा है, तो देखेंगे कि बड़ा है तो बड़ा वाला हम रख देंगे, बड़ा कौन सा, 8 है, तो इसमें क्या रखेंगे आप, 4 रखेंगे, तो ये 48 का निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह नॉन परफेक्ट और परफेक्ट स्क्वायर रूट आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और लगी है दोस्त तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं, अगर वीडियो में कुछ कमी रह गई हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें। आप लोगों का मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो में ज़रूर कमी ढूंढें और उसको हमें बताएँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।